हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 23 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स आर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज की जो पहला आर्टिकल आया है वो है एनसीआरबी के बारे में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को लेकर आर्टिकल आया है। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसने अभी सेक्सुअल वायलेंस और जो कंप्लेंट है इनके खिलाफ उन पे एक्शन लेने के लिए उनको अनुमति है, वो प्रोवाइड है, वो की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये कुछ कंटेक्स्ट है। तो पहले हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में जानेंगे, उसके बारे में कंटेक्स्ट को थोड़ा अच्छे से डिस्कस है वो करेंगे। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो देखो एक नोडल एजेंसी है इंडिया में, जो कि एक ऑथोरिटी डाटा प्रोवाइड करवाती है कि इंडिया में किस क्राइम है वो किस तरीके के क्राइम हुए हैं, कितने एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं, कितने सुसाइड वगैरह हुए हैं, कैदियों के क्या हालचाल है, उनके ऊपर कोई पॉलिसी वगैरह बनानी है, उन सब के लिए ऑथोरिटिक या बोल सकते हो कि ऑथोरिटिक डाटा है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। मतलब हमारे देश के अंदर एक कम से कम एक ऐसे होना चाहिए कि एक ऑथोराइज्ड बॉडी होनी चाहिए जो ऐसा बताए कि हाँ भाई इस साल इतने क्राइम हुए हैं, इतने एक्सीडेंट हुए हैं, इस तरीके के सुसाइड हुए हैं, इतने कैदी हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स वगैरह हुई है। तो इस तरीके का जो ऑथेंटिक डाटा इंडिया में प्रोवाइड करवाया जाता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो बेसिकली इसका निर्माण किया गया था 1997 से 1981 के बीच में, एक नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन ने भी इसकी रिकमेंडेशन दी कि भाई एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो बनाया जाए, ताकि हमारे देश में जो भी क्राइम वगैरह होते हैं उनके बारे में एक ऑथेंटिक डाटा रहे हमारे पास। इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, उसने भी एक अपनी टास्क फोर्स बनाई थी 1985 में, उसके तहत इसकी रिकमेंडेशन की गई थी और उसी के तर्ज पे फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाया गया था। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारे देश के अंदर कोई भी क्राइम होता है, चाहे वुमेन के अगेंस्ट हो, किसी भी तरीके का क्राइम हो, मार काट हो, मर्डर वगैरह कुछ भी, या फिर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, या फिर किसी ने सुसाइड किया है, या फिर जेल में जो कैदी वगैरह है उनके ऊपर कोई भी पॉलिसी वगैरह बनानी होती है, कोई भी रिसर्च होती है, तो उसके डाटा की तो जरूरत होती है कि भाई कितने लोगों ने सुसाइड किया था, किस किस तरीके से सुसाइड किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास होती है। तो हम ये कह सकते हैं इसे 1986 में एक रिपोजिटरी के तौर पर बनाया गया था, मतलब बोल सकते हो कि एक रजिस्टर के तौर पर बनाया गया था, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है क्राइम वगैरह से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं हमारे कंटेक्स्ट की तरफ। देखो आज के टाइम पे देखा जाए तो वुमेन और जो चाइल्ड हैं इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल वायलेंस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बात करें वुमेन सेफ्टी की या फिर हम बात करें चाइल्ड प्रोटेक्शन की, दोनों ही मामलों में देखा जाए तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख सकते हो या फिर वुमेन को लेकर ऑफिस वगैरह में सेक्सुअल हरासमेंट के केस हम देख सकते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों में लगातार इजाफा है, काफ़ी सारे केसेस देखने को सामने मिलते हैं। उसी तर्ज पे देखा जाए तो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं जो हमारी सोशल मीडिया है उसका भी एक अहम रोल रहता है कि वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में आग में या बोल सकते हो घी का काम है वो कर रही है। तो इसकी दिशा में जो कुछ कोऑर्डिनेशन वगैरह स्थापित करने के लिए, क्योंकि देखो जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर हो गई, जिस तरीके से हम बात करते हैं फेसबुक हो गई, इसके बाद गूगल हो गया, या फिर और भी कोई आप सोशल वेबसाइट ले सकते हो, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें, ये क्या करते हैं कोई भी ऐसी सेक्सुअल या वायलेंस वाली चीज़ ना हो जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी का यूज़ किया जा रहा हो, या फिर वुमेन को वुमेन की डिग्निटी है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जा रहे हो, उन सारे वीडियोज़ को ब्लॉक करे और उनको आगे फैलने से रोके। इन सब की गाइडलाइंस वगैरह तय करने के लिए भी एनसीआरबी को पावर है वो दी गई है। पहले तो देखो जैसा मैंने आपको बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को केवल रजिस्टर तैयार करने होते थे, मतलब केवल रिकॉर्ड तैयार करना होता था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं, बट अब इसको पावर दे दी गई है कि भाई जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इनके साथ एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करें, ताकि जो भी कंटेंट है उसको ब्लॉक करवाना हो, सेक्सुअल हरासमेंट संबंधित हो, या फिर वुमेन को टॉर्चर किया जा रहा हो कहीं, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे केसेस सामने आ रहे हो, उन वीडियोज को ब्लॉक करवाने के लिए ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन है वो बना के रखेगी। तो ये चीज़ थोड़ी हमें ध्यान रखनी है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में जो कुछ कंटेक्स्ट आया वो हमने यहाँ पे थोड़ा देखा। इसी के साथ ही हम बात करें इंडिया में CCTNS नेटवर्क बनाया गया था, जिसके बात करें हम क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इसको मॉनिटर करने के लिए और इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है वो भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखो क्राइम एंड क्रिमिनल जो ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है इसमें यह प्रावधान किया गया था कि हमारे देश के जो पुलिस स्टेशन है सारे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी पुलिस स्टेशन को एक पोर्टल के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि कोई भी आरोपी हो या कोई भी जैसे मतलब अपराधी ने किसी ने क्राइम किया है उसकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाए, ताकि इन केस ऑफ फ्यूचर वो कहीं भी कोई क्राइम करता है तो उसको ट्रैक किया जा सके कि हाँ भाई इस इंसान ने पहले भी वहाँ क्राइम किया है। जैसे कि मान लो कोई क्रिमिनल है, उसने पहले दिल्ली में कुछ क्राइम किए, इसके बाद वो यहाँ से भाग गया, सजा उजा उसको मिल गई, हो सकता है कुछ टाइम बाद उसने चेन्नई में क्राइम किए, या फिर हो सकता है उसने और कहीं क्राइम किया हो, तो उसको फिर ट्रैक किया जा सके कि हाँ ये अपराधी है, इसने तो पहले भी क्राइम किए ऐसे काफ़ी सारे। तो एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार रहेगा, इसमें कोई भी करप्शन वगैरह के केसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे,
क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी FIR वगैरह होगी वो ऑनलाइन दर्ज होगी, तो काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है वो आएगी और ई गवर्नेंस में भी काफी हेल्पफुल है वो रहेगा। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखो जो एक प्रोजेक्ट लाया था ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का मेन मोटिव ये था कि हमारे देश में जो गवर्नेंस और जो प्रशासन है इसको हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या और सुदृढ़ बनाना है, और उसी के तर्ज पे बेसिकली CCTNS का निर्माण है वो किया गया था, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा किया जाने वाला है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बारे में, मतलब ILO की रिपोर्ट आई है उसको लेके। तो देखो UPSC हर साल एक दो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली रिपोर्ट्स के ऊपर पूछती रहती है, इस साल भी उन्होंने रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा था, या तो रिपोर्ट का नाम दे देते हैं उसके ऊपर पूछ लेते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि ILO की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंडिया वेज रिपोर्ट। ये इंडिया वेजेज रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि भाई इंडिया में वेजेज को किस तरीके से दिया जा रहा है, कितनी उसमें अनइक्वलिटी है, क्या उसमें सुधार हुए, वो सारी बातें यहाँ पे की गई है। तो देखो इसमें एक दो मोटे मोटे पॉइंट आपको बताता हूँ, कुछ हाइलाइट्स की वर्ड हम देख लेते हैं ताकि इस रिपोर्ट को भी हम अच्छे से याद रख सकेंगे और हमें एग्जाम वगैरह में कहीं आंसर राइटिंग भी उस चीज का यूज है वो कर सकते हैं। तो बात यह है कि जो रियल डेली वेजेज है, जैसे बात करें इसमें कंपेयर किया गया है भी दो दशकों के पहले की बात को, तो मतलब एक तरीके से मैं आपको कहूँ तो 1998 की बात आप कर सकते हो कि 1998 के टाइम पे जो वेजेस दिए जा रहे थे उन वेजेस की तुलना में आज के वेजेस डबल हो गए। मतलब उस टाइम पे अगर किसी इंसान को डेली मजदूरी 100 रुपये दिए जा रही थी तो अब वो मजदूरी 200 रुपये हो गई है। तो वो पहले तो हम ये समझते हैं कि वेजेज होता क्या है। वेजेज का मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है कि बार डेली फिक्स सैलरी पर कुछ लोगों को गवर्नमेंट हायर करती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हायर करते हैं कि हाँ भाई आपको डेली मजदूरी है वो 100 रुपये दी जाएगी, 500 रुपये दी जाएगी, तो वो हो गया डेली वेजेज। मतलब आपको एक फिक्स पेमेंट है वो दिया जाता है, उसके आधार पर आपसे काम करवाया जाता है। तो वो फिक्स पेमेंट तो कुछ ना कुछ सिक्योर होना चाहिए ना, ताकि भाई वो इंसान जो भी काम कर रहा है वो अपनी आजीविका भी चला सके। तो उसी को लेके बताया गया कि देखो वेजेस तो बढ़ा दिए हैं बट जो इनइक्वलिटी है वो बहुत ज्यादा रही है। देखो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ से बात करें 1994 में तो डेली वेजेस था 128 रुपये, और आज के टाइम पे देखें तो वो लगभग 300 के आसपास है, ज्यादा हो चुका है। ये 2012 का डाटा यहाँ पे दिया गया है कि 2012 में डेली वेजेस था वो हो गया था 247, तो मतलब आज तो ऑब्वियसली फिर वो भी बढ़ा है। तो ये ग्राफ इस चीज को शो कर रहा है कि देखो डेली वेजेस तो बढ़ गए हैं बट यहाँ पे इनइक्वलिटी की बात करें वो देखो बहुत ज्यादा है, उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर यहाँ पे बात की गई है कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में बात की गई है। देखो रूरल एरिया में मतलब कि ग्रामीण एरिया के अंदर डेली वेजेस है वो अभी देखा जाए तो वो भी बढ़े हैं, और अर्बन एरिया के अंदर भी डेली वेजेस बढ़े हैं, मतलब बढ़ोतरी तो दोनों साइड ही हुई है। बट यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जेंडर गैप की बात करें वो कम तो हुआ है बट जितना कम होना चाहिए ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उतना नहीं हुआ है। ये ध्यान रखना है हमें कि इंडिया का जेंडर गैप है इसमें वेज गैप रिपोर्ट में वो कम तो हुआ है। 1994 में जो गैप था जेंडर गैप वो था 48 रुपीज का, मतलब ये मान लो कि अगर मेल पर्सन को मतलब पुरुष को अगर 100 रुपये से सॉरी ये पुरुष को अगर सैलरी है वो 100 रुपये मिल रही थी तो फीमेल को सैलरी है वो 100 रुपये से 48 रुपये कम मिल रही थी, मतलब उसको 52 रुपये सैलरी मिली थी, इतना डिफरेंस आ रहा था। और 2005 में देखा जाए तो ये आई थी 45 और 2012 में हो गई 34, और अभी भी देखा जाए जो करंट आंकड़े हैं उनके मुताबिक इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक ये जो डिफरेंस है ये होना चाहिए मैक्सिमम 23 का, बट अभी भी ये काफी ज्यादा है इंडिया का, अभी भी ये 34 के आसपास 33 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें कम करने की जरूरत है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जेंडर गैप में जितनी ज्यादा समानता होनी चाहिए थी उतनी समानता अभी है नहीं, फिर भी जो हालात है वो ठीक ठाक है। तो इस रिपोर्ट के बारे में दो चार चीजें हमने देखी। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ की ये है क्या। देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसका काम ही होता है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो लेबर्स है सारी चाहे स्टेट में हो चाहे नेशनल कहीं भी हो, लेबर के जो स्टैंडर्ड्स हैं गाइडलाइंस हैं उनको फुलफिल करना, इसी के साथ ही इंटरनेशनल जो लेबर्स रूल हैं उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाने का काम भी ये करती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी लेबर को दिक्कत आती है तो उसके मामलों की सुनवाई वगैरह भी है वो ILO के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही लेबर को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उनके साथ ही पर्टिकुलर देखा जाएगी क्या क्या गाइडलाइंस वगैरह बनानी है, ये सारे काम है सोशल प्रोटेक्शन उनको देनी है, उनको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज देनी है, ये सारे काम बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं। बात करें इसकी तो देखो अभी 187 कंट्रीज के मेंबर हैं।
तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि 187 कंट्रीज के मेंबर हैं, इंडिया ऑब्वियसली इसका मेंबर है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यह 1919 में बनाया गया था, मतलब 1919 में इसको बनाया गया था। इसके बाद आपको लग रहा होगा कि यार यूएन तो बना था बाद में, तो इसको स्पिलर एजेंसी कैसे हुआ? देखो उसके बाद क्या हुआ था, 1919 में बनाया गया था और 1945 में आपको पता है कि यूएन बन गया था, और यूएन के बाद ये इसकी स्पेशल एजेंसी हो गई थी। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है, वो आता है ये इसके बारे में कि इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने लेबर्स के लिए काफी अच्छा काम किया, उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई थी, इसके साथ ही उनके बीच में पीस शांति उसको प्रमोट किया था, इसलिए इनको 1969 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। तो ये चीज भी हमें ध्यान है वो रखनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बट इम्पोर्टेंट ये है, हेडक्वार्टर भी देख लेना है हमें, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूएन की स्पेशल एजेंसी है, बनाई गई थी 1919 में बनाई गई थी ताकि इंटरनेशनल लेवल पे लेबर्स की गाइडलाइंस वगैरह उनको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है उड़ान स्कीम को लेकर। देखो उड़ान स्कीम है उसको भी इंटरनेशनल लेवल पे तैयार करने की बात हो की जा रही है, और इसी के लिए एक ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी एक स्कीम है AES, इस स्कीम के तहत ये प्रावधान किया जा रहा है कि भाई उड़ान स्कीम है उसको इंटरनेशनल लेवल की फ्लाइटों के लिए भी तैयार हो किया जाए। तो अभी तो केवल एक ड्राफ्ट है, प्रपोजल है, बट थोड़ा हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब इसको अनुमति मिल जाएगी तब पता होना चाहिए कि हाँ भाई उड़ान स्कीम है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी चालू है, वो हो गई है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। बात यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बनता है इसके बारे में जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, वो है कि उड़ान स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है। तो देखो उड़ान स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान है वो रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है ओसिरिक्स के बारे में, तो देख लेते हैं क्या ओसिरिक्स है क्या। देखो इसकी फुल फॉर्म तो काफी लंबी है, ओरिजन्स विद स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर। कुल मिला के इसका मतलब क्या है वो देखना है, और हमें ये जानना है कि है क्या चीज। यूपीएससी बेसिकली इतनी बड़ी फॉर्म मतलब फुल फॉर्म वगैरह तो पूछती नहीं है हमसे, हमें ये पूछ सकते हैं कि ओसिरिक्स रिसेंटली न्यूज में था क्या है वगैरह किस रिलेटेड है। तो पहली चीज तो यार ध्यान रखनी है कि ओसिरिक्स है वो एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि नासा का है। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि भाई जो बेनू एक एस्टोरॉयड है उस बेनू एस्टोरॉयड की स्टडी है वो करने के लिए कि वो किससे बना हुआ है, उस पर रिसर्च वगैरह करने के लिए ताकि ब्रह्मांड के जो कुछ रहस्य हैं उनके बारे में कुछ पर्दा है वो उठ सके, मतलब कि ब्रह्मांड कैसे बना था, एस्टोरॉयड किस प्रकार बने हैं, कौन सा मटेरियल उनमें यूज हुआ है, क्या उनकी स्ट्रक्चर वगैरह है, उन सब की स्टडी करने के लिए ओसिरिक्स जो स्पेस क्राफ्ट है वो बेनू एस्टोरॉयड पे भेजा गया है। तो 2018 में पहुंचेगा, इसके बाद में 2023 तक ये वापस मतलब आप बोल सकते हो कि इंडिया अर्थ पे सॉरी वापस आ जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। तो अभी इसको सैंपल क्लिक करने के लिए नासा ने भेजा है, तो यूपीएससी ये पूछ सकती है बेनू एस्टोरॉयड के बारे में। तो ध्यान रखना कि बेनू एस्टोरॉयड पे ओसिरिक्स एक स्पेस क्राफ्ट है वो भेजा गया है ताकि वहां से सैंपल कलेक्ट करके फिर उन पे स्टडी वगैरह की जा सके। अब देखो बेनू एस्टोरॉयड को इसलिए चुना गया इसमें से क्योंकि बेनू एस्टोरॉयड एक तो अर्थ के काफी क्लोज है तो जाने जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा बेनिफिट यह है कि बेनू एस्टोरॉयड भी एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और उसकी ऑर्बिट भी उसी तरीके से है जिस तरीके से अर्थ की ऑर्बिट है वो सन के रिस्पेक्ट में, तो मतलब दोनों को काफी आसानी हो जाएगी आपस में सिंक करने के लिए, और इसीलिए बेनू एस्टोरॉयड को यहाँ पे यूज है वो किया गया है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है राज्यसभा में नोटा को लेके। देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्यसभा के अंदर नोटा नन ऑफ दीज अबव है वो एक्चुअली ऑप्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो आए हैं तो हम देख लेते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइन में यह कहा है कि भाई बात ऐसी है कि जो नोटा का ऑप्शन है वो केवल और केवल डायरेक्ट इलेक्शन में यूज किया जाएगा, मतलब जहाँ पे जनता डायरेक्टली लोगों को इलेक्ट करिए, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन हुए या फिर आप बात करते हो कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुई, उन्हीं में केवल डायरेक्टली इनको यूज है वो किया जा सकता है। बाकी जहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हो राज्यसभा जैसी चीजों में वहाँ पे नोटा का ऑप्शन यूज है वो नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज तो हमें ध्यान रखना कि नोटा आया क्या था और इसका मतलब क्या है। देखो बात यहाँ पे की जा रही है कि नोटा की स्टार्टिंग, नोटा का बेसिकली यूज किया गया था वो लोकसभा इलेक्शन में, वो किया गया था 2014 के इलेक्शन में, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी उसके आधार पे नोटा को यूज है वो किया गया था। अब 2013 में एक जजमेंट भी आई थी, उसी जजमेंट को भी यहाँ पे फॉलो है वो किया गया था। देखो जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि राइट टू वोट है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसी तरीके से राइट टू नॉट वोट है वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट हो जाता है।
अब वो डिपेंड हम पे करता है कि हम उसको कैसे यूज है वो करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप वोट देने गए और आपको लगता है कि यार कोई भी कैंडिडेट वो अच्छा नहीं है, सारे ही मतलब हमारे जितना जैसा आपको कैंडिडेट चाहिए था उस लायक कोई कैंडिडेट नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो भी जो मतलब मशीन होगी वो वीवीपैट मशीन के साथ जो मशीन अटैच होती है ईवीएम मशीन, उसमें नीचे आपके पास एक नोटा का ऑप्शन होता है कि नन ऑफ दिस दो, मतलब आप इनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। तो आपने वोट भी दिया और आपने असहमति जता दी कि भाई मेरे को ऊपर वाले कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो ये होता है बेसिकली नोटा की वर्किंग प्रोसीजर। अब देखो इस पे कुछ सवाल भी उठते हैं कि यार नोटा को फिर इंक्लूड क्यों किया गया, क्योंकि इसका रिजल्ट तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, इसको रिजल्ट में काउंट तो किया नहीं जाता है। आप खुद सोच के देखिए, किसी पर्सन ने इलेक्शन में ये नोटा का वोट जो पॉइंट है वो प्रेस किया, तो उसका रिजल्ट क्या पड़ा, उसने वोट नहीं दिया बस, उसके अलावा कुछ तो हुआ नहीं ना। अगर आप ये मान के चलिए कि जितना वहां पे वोटिंग पड़ा था उससे अकॉर्डिंग अगर नोटा का वोट ज्यादा यूज हो रहा है, नोटा का पॉइंट, इसका मतलब तो वहां के जो लोग हैं वो जो भी इलेक्शन या कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वहां पे उनसे कुछ नहीं है, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, या तो दोबारा इलेक्शन करवाने चाहिए या फिर जो अच्छे पॉलिटिशियन है आप बोल सकते हो कि अच्छे नेताओं को सामने लाना चाहिए ताकि इलेक्शन हो फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सके। तो अभी तक तो इसका इफेक्ट है वो जीरो, कोई ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया गया है, तो उसी को लेकर आर्टिकल आया, तो हमें पता होना चाहिए कि नोटा को कब यूज किया गया था, कौन सी जजमेंट वगैरह यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। नेक्स्ट देखो जो आर्टिकल आया है वो आया है सावेन के बारे में। क्या है सावेन वो देख लेते हैं, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। देखो बात ऐसी कि साउथ एशिया की जो कंट्री है जिसमें आता है अफगानिस्तान आता है हमारा, पाकिस्तान आता है, भारत आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका और मालदीव, की आठ कंट्रीज आती है। ये आठ कंट्रीज ने मिलकर एक्चुअली ये नेटवर्क है वो तैयार किया है ताकि वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, मतलब जो वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक नेटवर्क बनाया है, क्योंकि इस वाले एरिया में काफी बायोडाइवर्सिटी है, तो उसको एक मतलब तरीके से सही ढंग से डायरेक्शन देने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के तौर पर इसका निर्माण है वो किया गया था। इसकी बात करें सेक्रेटेरिएट की, तो इसका सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू में, 2011 में इसको स्टार्ट है इस नेटवर्क को वो किया गया था, तो इसको लेके कुछ अभी न्यूज आई थी करंट में, तो मीटिंग वगैरह को लेके, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई यहाँ पे सावेन है क्या। तो हमने देख लिया कि साउथ एशिया में जो वाइल्ड लाइफ है एनिमल्स वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी स्मगलिंग वगैरह ना हो, उनकी पोचिंग वगैरह ना हो, उन सबको रोकने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है उसको बनाया गया था वह, जो कि साउथ एशिया में बेसिकली काम है वो करती है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।